श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ना कल में है और ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मार कर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वह समाया है। दुख भी सुख से बीतेगा, सर पे जब श्री कृष्ण का साया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था, जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे और परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं, किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है, कौन किसका बन जाता है ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना विश्वास करो कि तुम्हें छल देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। इससे किसी को कोई मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी कदर इसलिए भी नहीं करते, हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग रोड के किनारे पर लगी लाइट के समान होते हैं, वह मंजिल का फासला कम नहीं कर सकते, लेकिन वह रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सलामत बनाते हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान तो वो है जो उस फेंके हुए ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगा जाते हैं।
जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार यह मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है, हम तो श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का यही नियम है, जहाँ सहयोग है वहाँ वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती है, बस फर्क इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना। बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ, मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है। उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते, इसलिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो तो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो काय भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वह है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी तरह आपके छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। यह मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान बनने के लिए आपको शुरुआत करने की जरूरत है। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हुई हो, क्योंकि एक समस्या अक्सर एक बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है।
हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन साथ से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा ही तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। हे मेरे श्री कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि नियत और तकदीर नहीं। यादें तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है, हमें तो हमारे अपने ही पहचान ले तो हम खुश हो जाते हैं। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूँ, मुझे गैर कहने वाली तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मरने से क्या होगा। तीन बेहतरीन सलाह मेरी याद रखना, पहला सोचो मत शुरुआत करो, दूसरा वादा मत करो साबित करो, तीसरा बताओ मत करके दिखाओ। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे, क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा। ये बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया। वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तब उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उस रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोगों ने फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वालों ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो यह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया तो उसने सोचा, सबसे बड़ा ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था तभी घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, यह बादल सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया, बादल को लेकर दूर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता ही रह गया, ये क्या हो रहा है, हवा का झोंका बादल को उड़ाकर चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे बेहतर है, क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था। हवा एक पहाड़ से टकराए और हवा ने अपनी दिशा मोड़ ली और वह पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। उस व्यक्ति ने सोचा, तभी वह व्यक्ति देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है, अपनी हथौड़े से उस पहाड़ का टुकड़ा कर रहा है। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंकों को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और यह टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। वह व्यक्ति बार बार सोच रहा था, यह नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था।
उसकी आंखों के सामने आ रहा एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने सबको अलग बनाए हैं। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना कीजिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इस चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखिए। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।